श्री माधोपुर इलाके के आसपास के गांव में लोहा एंगल गैंग इन दिनों सक्रिय है। आपको बता दें कि आपने आज तक चड्डा गैंग का नाम सुना होगा। चड्डा गैंग कितना सक्रिय था यह आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोहा एंगल गैंग के बारे में। एंगल गैंग ने किसानों के नाक में दम कर रखा है। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन दिनों एंगल गैंग के चोर सक्रिय हैं। किसान खेत में लोहे की एंगल लगवाते हैं और उनके चारों तरफ तारों को एंगलों से बंधवा दिया जाता है, जिससे आवारा पशु किसानों के खेत में ना आ सके, किसानों की फसल खराब ना हो सके, इसलिए एंगलों को लगाकर तारबंदी की जाती है। उन्हीं एंगलों को एंगल गैंग काट कर ले जाते हैं। जोरावर नगर कोटड़ी नालोट इन दिनों इन गाँवों में लोहा एंगल गैंग सक्रिय है। जोरावर नगर के गोकुल सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत, मदन सिंह शेखावत के खेत में लोहे की एंगल लगी हुई थी। चोर 30-35 एंगलों को काट कर ले गए। उन सभी एंगलों को इस तरह से काटते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन जब देखते हैं तो एंगल कटी हुई मिलती है। यह एंगल काटने की वारदात जोरावर नगर में काफी दिनों से हो रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है कि वह कब आते हैं और कब जाते हैं। उनका कोई टाइम और ठिकाना नहीं है। जब उनको मौका लगता है तभी खेत में लगी हुई एंगल को काट कर ले जाते हैं। गांव के किसान लोहे की एंगल गैंग चोरों से काफी दिनों से परेशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला है सर? ये एंगल पिछले 6 महीने से खेतों से एंगल काट रहे हैं चोर, और इस मामले में पुलिस में भी FIR करवाई थी, लेकिन प्रशासन भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं कर रहा। पिछले महीने कम से कम 10-11 एंगल खेत से कटी थी, FIR लिखवाई थी, उसके बाद में 1 महीने से नहीं कटी। अब दोबारा पिछले 2-3 रोज से वापस चोर इस क्रिया हो रहे हैं और इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। कितनी एंगल कट गई सर? पहले 10 एंगल कटी थी, अब भी 8 एंगल कट गई इस खेत से, और पड़ोस के जो खेत है उसमें 50 एंगल कटी थी, अब भी नज़दीक एक चाचा जी का खेत है उसमें 8 एंगल कटी है पिछली रात, और आसपास के खेतों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। FIR लिखवाई, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसान इसके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी तो उसका जवाबदार फिर प्रशासन खुद होगा।